अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे थे सिखो विद एहसान। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ये वीडियो ये है कि आप अपना जो लॉस्ट डेटा है उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है। इसको यूज़ करते हुए आप अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और बाकी फाइलें भी जो है वो तमाम की तमाम फाइलें सेकंड्स के अंदर वो फ्री में आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो है वंडर शेयर रिकवरी। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसी वेबसाइट को खोला हुआ है, तो ये फ्री में है। आपने इसको कैसे खोलना, आपने जाना है सबसे पहले गूगल ब्राउज़र पे, वहाँ पे जाके आपने लिखना है वंडर शेयर। जब आप वंडर शेयर लिखेंगे तो आपके सामने एक लिंक शो हो जाएगा, ये लास्ट में जाएँ जैसे कि ये देखें, ये लिंक शो होगा। आपने इसको क्लिक करना है तो जो पहला लिंक आएगा उसको आपने ओपन कर लेना, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि रिकवरी टू डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर फ्री, ये इसका वर्जन है v9.5। तो आपने इसको फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको कौन कौन सी फाइलें रिकवर करने की ऑप्शन दे रहा है। डिलीटेड फाइल्स रिकवरी, मतलब कि जो भी आपके सिस्टम में फाइल्स डिलीट हुई होंगे उनको रिकवर कर सकेगा। उसके अलावा आपका जो SD कार्ड है, जो आपका मेमोरी कार्ड है जो आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, उसको आप कार्ड रीडर के साथ मोबाइल इसको सिस्टम के साथ अटैच करेंगे और उसको आप रिकवर कर सकेंगे, चाहे वो फाइल्स एक माह पहले डिलीट हुई हों या एक दिन पहले डिलीट हुई हों। इसके अलावा जो ये रिकवरी की ऑप्शन दे रहा है वो आप देख सकते हैं कि पार्टीशन रिकवरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं अपने जाता हूँ PC पे, तो आपने देखा ये पार्टीशन बनी हुई है, मेरी जो हार्ड है उसकी पार्टीशन है लोकल डिस्क CDE। आपने इसमें से किसी, जिसको आपका पता है कि यार मेरी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मेरे सी में जो डेटा था वो लॉस्ट हो गया था, उसको मैं रिकवर करना चाहता हूँ, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसको स्कैन करेंगे तो वो जो डेटा है वो वहाँ से रिकवर हो जाएगा। तो अब ये देखें, उसके बाद है हार्ड ड्राइव रिकवरी, मतलब कि वही चीज़ का मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हार्ड ड्राइव कैसे रिकवर कर सकते हैं। फ़ोटो रिकवरी, फ़ोटो रिकवरी में कि जो आपकी फ़ोटो वगैरह आपसे डिलीट हो गई हैं, किसी बच्चे ने आपका सिस्टम पकड़ा है और उससे डिलीट हो गई है, तो वो भी आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि रिकवर 1000+ टाइप्स ऑफ फाइल्स, मतलब कि 1000 किस्म की जो फाइलें हैं ना आप इससे रिकवर कर सकते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रिकवर कर सकते हैं, फ़ोटोज़ हैं, GPG, PNG, मतलब जो भी फॉर्मेट में होगा, वीडियोज़ हैं MP3, MP4, जो भी वीडियो वो भी रिकवर कर सकते हैं। ऑडियो, किसी भी फॉर्मेट में आपका ऑडियो डिलीट हो गया है बाई चांस या वैसे गलती से, तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल्स आपकी जो है वो भी रिकवर हो सकती हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जैसे कि HTML का कोड वगैरह या iOS जो भी चीज़ें हैं। तो इसका जो फ्री वर्जन है उसमें आपको थोड़ी सी लिमिटेशन दे रहा है, तो वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं आपको बता दूँ कि उससे पहले कि इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने ये सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद वो फोल्डर या वो फाइल जिसको आप रिकवर करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, और उसको सेलेक्ट करने के बाद स्कैन करेंगे। तीसरे स्टेप पे वो स्कैन होकर आपकी फ़ाइल रिकवर हो जाएगी, उसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं और उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इनके पैकेजेस हैं जो फ्री है, उसमें आप सिर्फ 100 MB डाटा रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका डाटा 100 MB है तो आप उसको फ्री सॉफ्टवेयर से ही रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो फिर आपको जो है ना वो पैकेज परचेज करना पड़ेगा। तो इनके जो पैकेजेस हैं वो हैं, एक है एसेंशियल है, उसके बाद स्टैंडर्ड है और एडवांस है। इनकी नीचे प्राइस भी लिखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जो एसेंशियल है वो 69 यानी कि 70 का है, उसके बाद जो स्टैंडर्ड है वो 79 यानी कि 80 रुपीज़ का है, उसके बाद 100 रुपीज़ का है एडवांस वाला। वो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसमें से परचेज़ करना चाहते हैं। वैसे मेरे मुताबिक तो आपके लिए जो एसेंशियल है वो मतलब कि अच्छा रहेगा। अगर आपका डेटा कम है 100 MB से तो आपके लिए फ्री सॉफ्टवेयर ही बेहतरीन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगेगा और आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।